नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सपना मद्देशिया। देवरिया जिला भलवनी थाना क्षेत्र के ग्राम चतुरी में भागवत कथा सप्ताह महायज्ञ आयोजन किया गया है, जिसमें अयोध्या धाम से पधारे श्री राम लला सेवा सदन के पीठाधीश्वर स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य द्वारा भागवत कथा कर रहे हैं, जो दूर दूर से आए श्रद्धालुओं ने भागवत कथा रसपान मंद मुक्त होकर किया और काफी संख्या में भागवत कथा का ज्ञान लेने के लिए लोगों की भीड़ हो रहा है, जिसके सुचारू रूप से व्यवस्था बनाए रखने के लिए भलवनी थाना भी तत्पर मौजूद है। जाने संत रामानुजाचार्य स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी महाराज का ये प्रवचन यहाँ चल रहा है और डॉक्टर राघवाचार्य जी देश के प्रखर संतों में इनकी गणना होती है। बिल्कुल शास्त्रोक्त बातें जो उन्होंने कहा कि वेद सम्मत जो बातें हैं, जिस बात को शास्त्र बोलता है या शास्त्र से जिसका समर्थन प्राप्त है, वही बातें पूज्यपाद स्वामी जी के माध्यम से यहाँ निःसृत हो रही हैं। बहुत सारी बातें जो कथा के माध्यम से कही जा रही हैं, उन्होंने इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए जहाँ की आज जो समाज में भ्रम उत्पन्न हो रहा था, शास्त्र सम्मत बात करने पर भ्रम अपने आप कथा पांडाल में दूर होता चला जा रहा है। कल महाराज श्री ने एक चर्चा किया था कि संपत्ति और विपत्ति क्या है, तो उसकी परिभाषा में गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई के माध्यम से उन्होंने कहा कि संपत्ति और विपत्ति का अंतर यही है कि जब सुमिरन हो तब वह संपत्ति है और जब विसरण हो भगवान का, भोलापन आ जाए, तो वो विपत्ति हो जाता है। कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भगत न होई। तो ये स्थितियां हैं कि समाज में जो चीज़ें हैं संपत्ति और विपत्ति के बारे में, हम लौकिक समाज में संपत्ति को क्या अर्थ देते हैं और अलौकिक समाज में संपत्ति को क्या अर्थ देते हैं। तो महाराज श्री बड़े ही शास्त्रोक्त ढंग से अपनी बात कह रहे हैं। ये कब से चालू है, कब समाप्त? 10 तारीख को कथा प्रारंभ हुई जल भरने के साथ। 10 तारीख को कथा प्रारंभ हुई है, 16 तारीख की शाम को कथा चलेगी और 16 को इसका समापन हो जाएगा। सप्तमी किस गांव में हो रहा है? ग्राम पंचायत चतुरी में हो रहा है, जनपद देवरिया के विकासखंड भागलपुर, विकासखंड भलवनी। अपना परिचय बताइए। मैं सुधाकर मिश्र और इस कथा का संचालन कर रहा हूँ महाराज श्री के आदेश से। कथा कैसे चले और किस तरीके से इसकी व्यवस्था, उस व्यवस्था में एक छोटे से इकाई के रूप में हम भी अपना योगदान दे रहे हैं।